दोस्तों नमस्कार। बीते दिनों मैंने फेसबुक पर एक वीडियो डाला था, उस तस्वीर को लेकर जिस तस्वीर में कहा गया कि पहनावे को लेकर धार्मिक स्थलों पर, लड़कियों के पहनावे को लेकर धार्मिक स्थलों पर ड्रेस कोड होना चाहिए। दिन भर वो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर घूमती रही और उस वीडियो को लेकर मैंने शाम को फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया, कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं। और जो ड्रेस इस लड़की ने पहनी थी, जो शॉर्ट्स इस लड़की ने पहने थे, ऐसे शॉर्ट्स पहनकर कई बार लड़के भी धार्मिक स्थलों पर देखे जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। तो ऐसे में ड्रेस कोड तमाम लोगों के लिए होना चाहिए, सम्मान रूप से होना चाहिए। खुशी की बात यह है आज कि नागपुर के और उत्तर प्रदेश के मथुरा के जो है मंदिरों में अब ये चस्पा हो गया है कि लड़का हो या लड़की, आपको इन जो है पूरे कपड़ों में आना है। इस तरीके के ये जो शॉर्ट्स हैं वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई नहीं आ सकता है। खुशी इस बात की है कि सम्मानता रखी गई है, कहा है कि हाँ अगर लड़कियां शॉर्ट्स में नहीं आ सकती तो लड़के भी ना आए, क्योंकि लड़कियां अगर शॉर्ट्स पहनती है तो उनकी भी सिर्फ टांगे दिखती है, लड़के अगर शॉर्ट्स पहनते हैं तो उनकी भी सिर्फ टांगे दिखती है। तो ड्रेस कोड होना चाहिए वाकई में। और ये जो दो तीन जगह पर मैंने बताया, दो तीन जगह के मंदिरों पर यहाँ पर ये तस्वीरें ये बाहर चस्पा कर दिया गया है। देखना ये है कि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में कब तक होता है। होना चाहिए कायदे से, लड़का हो लड़की, लड़का हो चाहे लड़की हो, बाहर चस्पा ये जितना जल्दी हो सके होना चाहिए। फिर कोई नहीं आएगा, क्योंकि इतना बेवकूफ कोई नहीं है कि एक बार पढ़ के जो है फिर भी आ जाए, मन नहीं अगर कोई है तो वो अंदर नहीं जाएगा। तो ये होना चाहिए। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में भी, उत्तराखंड के मंदिरों में भी ऐसा हो, तो वीडियो को शेयर करें, आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में भी इस तरीके का ड्रेस कोड लागू हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।